अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कर रहे हैं ये लुक, आज हम कर रहे हैं एक स्मोकी सिल्वर आई, बट द मेन थिंग जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इज द लेयरिंग टेक्निक। किसी बहुत बड़े इवेंट में जा रहे हैं, वेडिंग है या आपकी वेडिंग है या कोई ऐसा बड़ा इवेंट है जिसमें यू वॉन्ट टू लुक फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग, दिस मेकअप टेक्निक इज ग्रेट। मैं यूज़ कर रही हूँ आज एक सेटिंग स्प्रे इस लेयरिंग टेक्निक के लिए। अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा ऑयली स्किन है, मैं ये यूज़ कर रही हूँ, आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं एक ट्रांसलूसेंट पाउडर, बट वेरी वेरी थिन लेयर। अगर आप जानना चाहते हैं लुक मैंने कैसे क्रिएट करे और कितनी आसानी से, तो देखते रहिए। और मैं यूज़ करूँगी अब स्किंडिनेविया का प्राइमिंग स्प्रे। आप कोई सभी फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, ड्यूई और मैट आपकी स्किन के हिसाब से। दिस इज़ जस्ट एम ऑयल फ्री फाइन मिस्ट प्राइमर स्प्रे। तो ये मैं स्प्रे करूंगी अपने मॉइस्चराइजर के ऊपर। थोड़ा सा कलर करेक्टर यूज करूंगी और मैं यूज करूंगी नबीला का जीरो मेकअप पैलेट। फाउंडेशन के लिए मैं मिक्स करूंगी ये दोनों फाउंडेशन, ये EX1 एंड मेबेलिन का फिट मी। अगर आप कोई भी लेयरिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप हर चीज़ बहुत थिन लेयर्स में लगाएं। जैसे ही आप बहुत ज़्यादा केकअप करने लगेंगे मेकअप, उसके अंदर वो अफेक्ट नहीं आएगा। अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर। कॉन्ट्रोलिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी स्लीक का, आज मुझे साफ करना पड़ेगा बिकॉज़ आई नीड टू टेक पिक्चर्स ऑफ दिस थिंग, क्रीम कॉन्ट्रोलर। अब ये हमारे सब क्रीम प्रोडक्ट्स हो गए हैं, अब मैं करूँगी एक और स्प्रे ऑफ माय स्प्रे थिन लेयर्स, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको ड्राई होने देते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड लेयर ऑफ स्प्रे। अब इस लेयर ऑफ स्प्रे को हम थोड़ा सा प्रेस इन करेंगे हमारे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, सिर्फ पैटिंग मोशंस में। थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर लिया है और उसको अच्छी तरह से स्किन के अंदर बफ इन कर लिया है, और बहुत ही थिन लेयर लगाना है क्योंकि अभी हम आईज करेंगे, उसके बाद हम फिर चेक करेंगे, अगर आपको कहीं ज़रूरत होगी पाउडर की तो हम फिर रीअप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ब्लैक जेल आईलाइनर, इतना मैंने कर लिया अपना मेकअप एंड आई वाज़न्ट इवन रिकॉर्डिंग। मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या करा था। मैंने थोड़ा सा जेल लाइनर लिया था और वो सिर्फ मैंने एक ऐसे ब्रश के साथ लगाया था वेरी क्लोज टू द लैश लाइन। फिर मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया, उसको मैंने ब्लेंड आउट करा, जस्ट दी एजेस हमने ब्लेंड आउट करे क्रीम के। फिर मैंने एक इस तरह का सॉफ्ट ब्राउन लिया, ये बर्न्ट ऑरेंज कलर जो है ये वाला, इससे मैंने इसको ब्लेंड आउट करा, और ब्लैक कलर का मैट आई शेडो वो मैंने इसको लैश लाइन के करीब लगा लिया ताकि वो जो जेल है सेट हो जाए। अब जो मेरे ब्रश पे बाकी ब्लैक जेल है वो मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ, और मैं लूंगी जो ब्राउन था इसको मैं इससे पहले ब्लेंड आउट कर लूंगी, थोड़ा सा मैं ब्लैक लूंगी सिर्फ इसको कनेक्ट करने के लिए, और उसके अंदर दिस रियली सिल्वर ये हम यूज करेंगे और एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड आउट करेंगे हम। अब हम करेंगे मस्कारा एंड लैशेस। It is 6:45 AM in case anyone was wondering कि मैं कितने बजे सुबह उठ के मेकअप करती हूँ। अब हम करेंगे हमारा फाइनल स्प्रे, एंड जब भी आप कर रहे हो तो मेक श्योर आपका मस्कारा ड्राई हो गया। अगेन ब्यूटी ब्लेंडर के साथ थोड़ा सा इसको हम प्रेस इन करेंगे, और आप ऑलरेडी देख सकेंगे दैट योर मेकअप लुक्स टोटली डिफरेंट। मैं यूज़ करूँगी आज टू फेस मेल्टेड चॉकलेट, ये है इन द कलर चॉकलेट मिल्क शेक। ऑलराइट गाइस, तो ये हो गया है हमारा लुक कंप्लीट, ये था हमारा लेयरिंग टेक्निक मेकअप। तो अगर आप ये लेयरिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो किसी बड़े इवेंट के लिए यूज़ करें ताकि आपका मेकअप अमेजिंग लगे इन पर्सन एंड इन पिक्चर्स एज वेल। तो ये आज का हमारा वीडियो हो गया है कंप्लीट, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। व्हाट आफ्टर बर्प।